नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में हॉस्पिटल के कक्षा 12 पास संचालक रंजीत निषाद को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध दस्तावेज को किया बरामद व हॉस्पिटल को किया सील। SSP डॉक्टर गौरव गुरवर ने किया खुलासा। जनपद में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश ने LKG से कक्षा 12 तक के सभी प्रकार के विद्यालय को 10 जनवरी तक बंद करने का दिया निर्देश। पहले से निर्धारित प्रैक्टिकल व प्री बोर्ड परीक्षा करा सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। ऑपरेशन तमंचा के दूसरे चरण में गांव-गांव लोगों को किया जाएगा जागरूक। गांवों में प्रयोग होने वाले अवैध तमंचे के सोर्स का किया जाएगा पता। तमंचा बनाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। ADG जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। दो दिवसीय गोरखपुर लिट फेस्ट का मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने किया शुभारंभ। कहा, इतिहास से सबक लेकर वर्तमान तक खड़ा होने का हुनर आना ही है वास्तविक लोकतंत्र में साहित्य का मूल मंत्र। उत्तर प्रदेश फायर विभाग के DG अविनाश चंद ने उद्यमियों, व्यापारियों, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स भवनों के संचालकों, हॉस्पिटल, स्कूल के प्रबंधकों संग किया संवाद। कहा, शॉर्ट सर्किट से होती है अधिकांश अग्निकांड की घटनाएं। फायर ऑडिट कराकर मानक के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के भवनों को करें आग से सुरक्षित। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन 7 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर लिया पर्चा। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 13 जनवरी को होगी पर्चों की जांच। 16 जनवरी को होगा नाम वापसी। 30 जनवरी को होगा मतदान। 2 फरवरी को मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जनपद में 243 हॉस्पिटल के अलावा 142 पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर और 502 नर्सिंग होम है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पंजीकृत। अवैध संचालित 70 हॉस्पिटल और 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को किया जा चुका है सीज। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से BRD मेडिकल कॉलेज में काफी बढ़ गई है हृदय और मस्तिष्क रोग के मरीजों की संख्या। BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को रखना चाहिए विशेष ध्यान। सुबह या रात में ना निकलें घरों से बाहर। स्नातक विधान परिषद चुनाव के संबंध में भाजपा महानगर की बैठक भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे यह चुनाव। SDM सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद, नगर निगम व पुलिस विभाग से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। और ठंड से बचाव के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में मरीजों व उनके परिजनों को रुकने के लिए रैनबसेरे की गई है व्यवस्था। जगह जगह पर जलाया जा रहा है अलाव। मरीजों को मिल रहा निःशुल्क भोजन। BRD मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। गुलरिया थाने की पुलिस ने अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में हॉस्पिटल संचालक को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव गुरवर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रंजीत निषाद पुत्र सुभाष निषाद निवासी जंगल जैनुल आबदीन उर्फ जैनपुर टोला सत्यनगर थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से अवैध दस्तावेज को बरामद किया गया है। SSP ने बताया कि सत्यम हॉस्पिटल के संचालक रंजीत निषाद द्वारा बिना किसी वैध डिग्री के डॉक्टरों का नाम सूची में अंकित कर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पैड पर मरीजों की दवाई का
इलाज कर उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हॉस्पिटल के संचालक रंजीत निषाद पुत्र सुभाष निषाद के विरुद्ध 5 जनवरी को सूचना प्राप्त हुई कि 3 जनवरी को एक गर्भवती महिला का इलाज किए जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में अभियुक्त से पूछताछ व जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त हॉस्पिटल पूर्व में 2 बार, पहली बार चिराग हॉस्पिटल के नाम से व दूसरी बार प्रियांशु हॉस्पिटल के नाम से चल रहा था, जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील किया गया था। वर्तमान समय में यह हॉस्पिटल डॉक्टर सुनील कुमार सरोज MBBS की डिग्री के आधार पर पंजीकृत कराकर संचालित किया जा रहा था। जांच में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि जिस डॉक्टर के नाम पर यह हॉस्पिटल वर्तमान में पंजीकृत है, उसके द्वारा यहाँ पर कोई भी चिकित्सीय सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन चिकित्सकों के नाम हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन पैड पर अंकित है, वो भी अन्य में निवास कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूछताछ में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन हेतु हॉस्पिटल मालिक द्वारा कुछ दलालों का भी सहयोग लिया गया है। 6 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग को इस घटनाक्रम की सूचना दिए जाने के उपरांत दोबारा इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। विवेचना के क्रम में जिस चिकित्सक के नाम पर यह हॉस्पिटल पंजीकृत है व जिन जिन चिकित्सकों के नाम प्रिस्क्रिप्शन पैड पर अंकित हैं, उन सभी को विवेचक द्वारा बयान हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर को भी अपने स्तर से इस हॉस्पिटल के पंजीकरण की प्रक्रिया की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विधिक अथवा विभागीय कार्रवाई करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की रोकथाम हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोरखपुर को इस आशय से पत्र प्रेषित किया जा रहा है कि जनपद में पंजीकृत सभी हॉस्पिटल एवं चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर इत्यादि की सूची को मीडिया के माध्यम से पब्लिक को सूचित किया जाए, जिससे कि इस सूची के अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित होने वाले सभी चिकित्सालयों की जानकारी हो सके और कार्रवाई की जा सके। तथा जिलाधिकारी जनपद गोरखपुर से अनुरोध किया जा रहा है कि जनपद में संचालित होने वाले चिकित्सालयों के संबंध में एक संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाए, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जिसके नाम पर उक्त चिकित्सालय पंजीकृत है, उनके द्वारा ही वहां पर इलाज किया जा रहा है। और IMA गोरखपुर को इस आशय से पत्र प्रेषित किया जा रहा है कि वह अपने माध्यम से उनके यहां पंजीकृत सभी डॉक्टर्स को इस घटनाक्रम के संबंध में सूचित अथवा जागरूक करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी चिकित्सक इस तरह की अवैध गतिविधियों में सम्मिलित न हो। इसके अलावा इस संबंध में निदेशक एम्स गोरखपुर व प्रधानाचार्य BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से भी अनुरोध किया जा रहा है कि उनके यहाँ कार्यरत सभी चिकित्सकों व पास आउट हो रहे प्रशिक्षु डॉक्टर्स को भी इस घटनाक्रम के संबंध में सूचित जागरूक करते हुए सुनिश्चित करें कि कोई भी चिकित्सक इस तरह की अवैध गतिविधियों में सम्मिलित ना हो। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर द्वारा जनपद में पंजीकृत चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर इत्यादि की सूची के संबंध में अभिसूचना संकलित की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक शेष कुमार शर्मा, उप निरीक्षक मनोज यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव गुरुवार ने कहा, सभी उधर थाना गुलरिया में 3 तारीख को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उस महिला की मृत्यु हुई। महिला के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल संचालक के ऊपर इलाज में लापरवाही हेतु एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इस घटनाक्रम की जांच हेतु SP नॉर्थ, CO चौरी चौरा और SHO गुलरिया की एक टीम बनाई गई। जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई
कि सत्यम हॉस्पिटल के नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था, जिसमें इलाज वहीं के मालिक के एक बेटे रंजीत निषाद द्वारा और एक अनट्रेंड दाई द्वारा उस महिला का इलाज किया गया, जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हुई। जांच के क्रम में और हिरासत में लेकर जब रंजीत निषाद से पूछताछ हुई तो ये भी तथ्य प्रकाश में आए कि ये हॉस्पिटल पूर्व में अन्य नामों से जब संचालित हो रहा था तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको सील किया गया था। पुनः तीसरी बार ये सत्यम हॉस्पिटल के नाम पे इसके द्वारा पंजीकरण कराया गया। एक चिकित्सक, एक डॉक्टर जिसकी डिग्री इस हॉस्पिटल के पंजीकरण में इस्तेमाल हुई है, इसकी पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि वह चिकित्सक जनपद में मौजूद नहीं है और ना ही उनके द्वारा इस चिकित्सालय में कोई इलाज किया गया है। ये भी जानकारी हुई कि इस हॉस्पिटल के नवीनीकरण के लिए या नाम बदलकर जो भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है उसमें जो इस हॉस्पिटल का मालिक है और संचालक है उसके द्वारा कुछ दलालों को भी सहयोग लिया गया है। इस घटना को गंभीर मानते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 304, 419, 420 और इंडियन मेडिकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अधीन संचालक रंजीत निषाद को अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में जिन अन्य लोगों की भूमिका प्रकाश में आई है उनके लिए भी पुलिस टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये घटनाक्रम काफ़ी गंभीर है, जिसमें कि आसपास के गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स जहाँ पर अनट्रेंड लोगों द्वारा इस तरह का इलाज करके उनकी जान माल को खतरा बन रहे हैं। जांच में ये भी बात प्रकाश में आई है कि इस हॉस्पिटल की जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है या प्रिस्क्रिप्शन पैड है उस पर अन्य डॉक्टर्स के भी नाम अंकित हैं। विवेचना के क्रम में जिस डॉक्टर के नाम पर यह हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है या नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया गया है उसको भी नोटिस जारी किया गया है और अन्य डॉक्टर्स जिनके नाम इस पैड पर अंकित हैं उनको भी नोटिस विवेचक द्वारा जारी किया गया है कि आगे एक्सप्लेन करें। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस तरह की घटना ना हो तो इसके लिए कुछ विशेष प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस पर्टिकुलर केस में कि इसका पंजीकरण किस तरह से हुआ, नवीनीकरण किस तरह से हुआ, इस पूरी प्रक्रिया की एक विभागीय जांच करवाएं और दोषी पाए जाने पर उन व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक, विधिक और विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस आशय से भी अनुरोध किया जा रहा है कि जनपद में जितने भी पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनकी जो भी सूची वर्तमान में उनके पास अपडेटेड जो सूची है उसको मीडिया के माध्यम से पब्लिक के साथ शेयर करें ताकि जानकारी हो सके कौन से हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं। इस सूची के इतर जितने भी अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल्स हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जाए और उनके ऊपर संबंधित स्वास्थ्य विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी पंजीकृत या इस सूची में जो भी हॉस्पिटल्स हैं इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया है कि एक संयुक्त टीम का गठन किया जाए, जिससे हॉस्पिटल रजिस्टर करवाने वाले डॉक्टर वाकई में क्या वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसका भौतिक सत्यापन हो सके। तीसरा, इसमें जो IMA है गोरखपुर है उनको भी एक पत्र लिखा जा रहा है कि वो इस घटनाक्रम के माध्यम से उनके जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनके साथ जितने भी जुड़े हुए चिकित्सक हैं उनको इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए उनको जागरूक करें कि कोई भी चिकित्सक इस तरह की अवैध गतिविधियों में भविष्य में संलिप्तता अपनी ना करें। इसी तरह से BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, AIIMS के डायरेक्टर, उनको भी अनुरोध किया जा रहा है कि वहाँ पर उनके यहाँ अगर संविदा पे कोई डॉक्टर्स हैं या जो प्रशिक्षु जो डॉक्टर्स हैं जब वो डिग्री लेकर के निकलते हैं तो उस समय पर उनका एक जागरूकता और सेमिनार करके उनको इस घटनाक्रम या इस तरह के और घटनाक्रम के बारे में जागरूक करें और ये सुनिश्चित करें कि वो इस तरह के किसी भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त ना हों। साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह हैं उनकी एक सूची जो CMO ऑफिस से हम लोगों को प्राप्त हुई है
उसको हम अपने विभाग के माध्यम से भी उसके बारे में अभिसूचना संकलित कर रहे हैं कि ऐसे कौन से अवैध हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह से चल रहे हैं और जो आम जनता की जान माल के लिए खतरा बने हुए हैं, इनके ऊपर भविष्य में भी कार्रवाई इस तरह से जारी रहेगी। और अगर इस तरह से संगठित रूप से लोग इसको चला रहे हैं तो इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी जो कार्रवाई है वो भी इसमें अमल में लाई जाएगी। देखिए देखिए आप सब जान रहे हैं, इसके लिए नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग है, हॉस्पिटल्स की पंजीकरण और हॉस्पिटल के संचालन को, इसीलिए उनको अनुरोध भी किया गया कि अपने स्तर से इसका सत्यापन कराएं। कहीं पर भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी सामने आती है, कोई अपराध कारित किया जाना, संज्ञेय अपराध कारित किया ना पाया जाता है और इस संबंध में जानकारी होती है तो उसके ऊपर कठोर विधिक कार्रवाई भविष्य में भी अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश ने बढ़ती ठंड को देखते हुए एलकेजी से कक्षा 12 तक के विद्यालय को 10 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है, जिसके संबंध में जिला आपदा अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर चलने के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत जनपद गोरखपुर में संचालित बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा एलकेजी से कक्षा 12 तक संचालित परिषदीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं मदरसा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यालय 9 जनवरी 2023 व 10 जनवरी 2023 तक शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा तथा जिन विद्यालयों में पूर्व निर्धारित प्रैक्टिकल एवं प्री बोर्ड परीक्षा है वह प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक कराया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आगामी सोमवार और मंगलवार अर्थात 9 जनवरी और 10 जनवरी को जो भी हमारे कक्षा एक से लेकर के इंटरमीडिएट तक के स्कूल हैं, शासकीय हों, अर्ध शासकीय हों, सहायता प्राप्त हों, सीबीएसई आईसीएसई, सभी में शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा अर्थात 9 और 10 जनवरी को छुट्टी रहेगी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन तमंचा पर कहा कि ऑपरेशन तमंचा 2021 में शुरू हुआ था जिस पर काफ़ी सफलता मिली थी, जिससे तमंचे का प्रयोग अपराध में कम हो गया, लेकिन अब दोबारा कई जगहों पर तमंचे हर्ष फायरिंग में दिख रहे हैं, जिसमें खोराबार थाना क्षेत्र में एक जगह हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है जो कि पुराना वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन जांच के दौरान असलहा बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसको देखते हुए ऑपरेशन तमंचा को एक बार फिर प्रकाश में लाया जा रहा है, जिसके दूसरे चरण में हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति तमंचे का प्रयोग करता है तो वो तत्काल पुलिस को सूचना दें और उस तमंचे को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि तमंचा कहां से आ रहा है इसका भी पता लगाया जाए, जो लोग तमंचा बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कारतूस बनाने वाली फैक्ट्रियों की भी जांच की जाएगी जिससे अपराध पर नियंत्रण लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, तमंचा एक हम लोगों ने वर्ष 2021 में शुरू किया था और उससे काफ़ी सफलता मिली थी। उन दिनों जो तमंचों का प्रयोग था अपराध में वो काफ़ी हद तक कम गया था। बाद में देखा गया है कि पुनः कुछ जगह डिस्प्ले हुए हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कोराबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह हवाई फायरिंग हो रही है, जो कि पुराना वीडियो बताया गया, परंतु जब रेड किया गया तो असला मिल गया, इसका मतलब असला था अवैध। तो इसी को देखते हुए ऑपरेशन तमंचा 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें हम पुनः गांव-गांव इसमें सूचना संकलित करेंगे कि किसके पास तमंचा है, उस तमंचा को बरामद करने की कोशिश करेंगे और उसके स्रोतों का पता लगाएंगे। सिर्फ बरामद की हमारा उद्देश्य नहीं है, आखिर तमंचा आ कहाँ से रहा है, बना कौन से रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ जो तमंचा बनाने के व्यवसाय में है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कारतूस लीक करते हैं, तमंचा तो बन सकता है बट कारतूस फैक्ट्री में ही बनता है और कहीं ना कहीं से लीक होता है, उस पर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। और इन सभी में मूल उद्देश्य यह है कि हम स्रोतों का पता लगाएं, स्रोतों को स्क्वीज करें और ये लगातार अनवरत हम लोग चलाएंगे अगले कुछ माह तक। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सही ढंग से करें, जनता का सहयोग लें और सही ढंग से इस पर कार्रवाई करें तो आने वाले समय में अवैध शस्त्रों का जो सामान्य अपराधों में प्रयोग होता है उसके प्रचलन में कमी आएगी। दो दिवसीय गोरखपुर
लिटफेस्ट की शुरुआत बैंक रोड स्थित एक होटल में लोकतंत्र और साहित्य विषयक उद्घाटन सत्र से हुआ, जिसके मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल और प्रख्यात राजनीतिक चिंतक विचारक डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में मुख्य अतिथि वरिष्ठ राजनीतिक और केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे यहाँ इस संसार की तुलना एक विश्व वृक्ष से की गई है। इस संसार में विष उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें दो अमृत से भरे हुए फल लगते हैं, जिनमें से पहला है काव्य और दूसरे हैं सत्पुरुष। काव्य हमें रस देता है और सत्पुरुष हमें मार्गदर्शन देते हैं। जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं, उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि उनको किताबें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। एक दार्शनिक ने कहा कि जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, उन्हें इसका अधिकार ही नहीं है कि वो सार्वजनिक जीवन के अंदर आएं। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक अकेला जीव नहीं है, लेकिन बाकी जीवों तक तथा इंसान में फ़र्क क्या है, इसका अर्थ सदैव बदलता रहता है। इतिहास का बोध रखने वाले ही साहित्य पैदा कर सकते हैं। वास्तविक लोकतंत्र में साहित्य का मूल मंत्र यही है कि इतिहास से सबक लेकर वर्तमान तक खड़ा होने का हुनर आ जाए। संवेदनशीलता मनुष्य को औरों से अलग करती है। संवेदनशीलता ही साहित्य की जननी है। पहले यह माना जाता था कि जो सत्ता के खिलाफ लिखेगा वही विश्वसनीय है, लेकिन अब हमें यह फ़र्क करना पड़ेगा कि यह धारणा उस समय की बात है जब सत्ता राजा रानी की कोख से पैदा होती थी। उस समय सत्ताधारी आज की तरह लोकतंत्र से पैदा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर टिप्पणी या आलोचना के बगैर लोकतंत्र चल नहीं सकता, लेकिन लोकतंत्र में दुराव की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारी बनाई हुई सरकारें हैं और यह अधिकार हमारा है कि आने वाले समय में ऐसी सरकारों को बदल दें जो हमारी भावनाओं पर खरी नहीं उतरती हैं। इससे लोकतंत्र में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और स्वयं का सशक्तिकरण होता है। पहले केवल सुरक्षा के लिए मानव समाज इकट्ठा होता था, लेकिन आज पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है और आज देश के विकास और प्रगति के लिए हमारी साझेदारी और सामरिक शक्ति नितांत आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रख्यात साहित्यकार और लेखिका मृदुला गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सिंह एवं प्रख्यात साहित्यकार व साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केरल के राज्यपाल और प्रख्यात राजनीतिक चिंतक विचारक डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लिटरेरी फेस्टिवल साहित्य सम्मेलन है। तो इंसान सिर्फ
रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, उसे अपनी आत्मा को के लिए भी कुछ भोजन चाहिए। और मेरा मानना है कि साहित्य ही सभ्यता की तरफ ले जाता है, या सभ्यता की पहली जो चीज़ जो पैदा होती है सभ्यता से, वो साहित्य। बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद ने एनेक्सी भवन के सभागार में जनपद के समस्त उद्यमियों, व्यापारियों, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स भवनों के संचालकों, हॉस्पिटल, स्कूल के प्रबंधकों के साथ अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता संवाद किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद ने अग्नि सुरक्षा जन संवाद कार्यक्रम में स्कूल के संचालकों, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्यों, उद्यमियों एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा गीडा के अधिकांश उद्योगों के प्रतिनिधियों व व्यापारियों द्वारा अग्नि सुरक्षा से संबंधित अपनी समस्याएं एवं सुझाव से अवगत कराया। महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवाएं उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त उपस्थित सभी व्यक्तियों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशित किया गया तथा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 न्यू फायर बिल के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के भवनों में फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, फायर इवैक्यूएशन, मार्क ड्रिल, अग्निशमन यंत्रों के संचालन एवं रख रखाव हेतु अवगत कराया। भवनों में पुराने बिजली के सप्लाई का फायर ऑडिट किए जाने हेतु अवगत कराया और यह भी अवगत कराया कि अग्नि सुरक्षा हेतु अग्नि सचेतक योजना के तहत जनपद में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 100-100 अग्नि सचेता के रूप में फायर वॉलंटियर तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता अग्निकांड के समय लिया जा सकता है। फायर सर्विस जनपद गोरखपुर के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भवनों में अग्नि सुरक्षा के उपकरणों का संचालन तथा जन जागरण के माध्यम से आग को नियंत्रित करने हेतु जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जनपद में अधिकांश अग्निकांड की घटनाएं शॉर्ट सर्किट से होती हैं, जिसके संबंध में फायर ऑडिट कराकर मानक के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कराई जा रही है। इस अवसर पर एडीजी अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सीएफओ अरविंद कुमार सिंह सहित विभिन्न जनपदों के अग्निशमन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद्र ने कहा, आया है 13 दिसंबर 2022 से इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें क्वालिफाइड एजेंसी एजेंसी का प्रावधान किया गया है। टेक्निकल आदमी ही महानिदेशक महोदय की गाइडलाइन होगी, उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन होंगे और वही लोग काम करेंगे स्टैंडर्ड और प्लस सारी चीज़ों की सेकंड बैलेंस चीज़ों को देखते हुए। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। पूर्व में बरेली क्षेत्र में किसान रोवर सर का 20 मिनट टाइम पीरियड के अंदर गोलीवर फायर स्टेशन से, गिरा फायर स्टेशन से जितने भी फायर टेंडर उस फायर कॉल को अटेंड करके और बिना किसी हानि के उस फायर को कंक्लूड कर दिया। लेवल पे वर्कर्स के साथ एग्जीक्यूट हो तो डेफिनेटली इसका फायदा ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को मिलेगा बल्कि जो एक वर्कर थे रिगार्डिंग कि कोई भी फायर कॉल हो रही है तो हमें क्या यूज़ करना है, कब हमें फायर एक्सटिंग्विशर ए बी सी या बाकी जिला में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं अगर कोई इस तरीके की फायर कॉल कहीं पर भी होती है तो प्रशासन के साथ अग्निशमन विभाग के साथ कई करेजी का ध्यान रखा जाए। जैसे कुछ हॉस्पिटल होते हैं जिसमें पेशेंट बहुत ही कम होते हैं, जैसे हाउसिंग सेंटर आई डी एन जी है, इसमें श्री डी जी महोदय, सभी का चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज और यहाँ उद्यमी संगठन की ओर से हम लोग स्वागत करते हैं और ये आजकल ये आपका प्रयास अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इसमें सर ये कहना चाहते हैं कि जैसे इसमें गीड़ा में इंडस्ट्री बहुत आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि बाहर के निवेश यूपी में आए, तो इस समय सर दिक्कत थोड़ी सी ये आ रही है कि जो नई इंडस्ट्री के मानक हैं उनके मानक अलग है और जो पुरानी इंडस्ट्री चल रही है उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप ये मानक लगाएं तब आपको एनओसी दी जाएगी। जो अभी आभासी सर ने कहा, सर आज हर प्रतिष्ठान में फायर सिस्टम लगे हुए हैं लेकिन विस्फोटक विभाग नागपुर है लगा हुआ है, वो फंक्शनल है और उसको चलाने वाले मिलते हैं, वो किस आधार पे आप लगेगा क्वालिफाइड एजेंसी हम डिक्लेयर करेंगे
जो नए एक्ट में प्रोविजन है कि क्वालिफाइड एजेंसी आपको आपके यहाँ आपके परिसर में आकर के फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक करेंगी और मानक के अनुरूप आने पर वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगी और उस सर्टिफिकेट को आप अपलोड करिएगा सिस्टम पर और जब सर्टिफाई करिएगा कि आप यहाँ सारी चीजें पूरी है, फिर आपको एनओसी बार बार लेने की जरूरत नहीं है और उसी के आधार पर हम आपको एनओसी दे देंगे या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। अब इसको एनओसी भी कहा जा रहा है, नए नियम में इसको जो है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है। तो आपको चीजों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से चीजों को काफी सरल किया गया है और इस तरह के स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स और गाड़ियां ये अपने हिसाब से क्रय करके रखनी चाहिए और अपने जो फायर पार्टिंग सिस्टम है उसको रोबस्ट करना चाहिए। पैसा हम लोग को दे रखा है उसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं, उसी तरह बहुत सारी गाड़ियां नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हम लोग को दे रखा है, तो ये गीडा को भी सोचना चाहिए कि अब इतना बड़ा मोदी राज के जो जन जागरूकता संवाद का कार्यक्रम है इसके दो पहलू हैं, एक समस्या और दूसरा उसका समाधान है। गोरखपुर में आकर आप सबसे सीधा संवाद स्थापित किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। गोरखपुर एक महत्वपूर्ण शहर है पूर्वांचल का और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से ये निर्देश रहे हैं और अपेक्षा रही है कि फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हम विशेष रूप से ध्यान दें और हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स को दिखाते हुए काम करें। आपको मालूम ही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, कई टीमें विदेश में भी गई और हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई में थे और इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाया गया है। अब इन्वेस्टर्स जब आएंगे तो उसमें प्रमुख आवश्यकता रहती है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी कारण विभाग में शीर्ष स्तर पर डीजी साहब स्वयं हैं और उनकी पूरी टीम है। अभियान सर का एक लंबा अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में और एक बहुत ही विशेष कैरियर रहा है उनका, कई जनपदों में रहे हैं, दो दो बार राष्ट्रपति का वीरता पदक पाया उन्होंने, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और इसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको एक इस महत्वपूर्ण पद पर डीजी बनने के जो प्रतिनिधित्व हुए उनको भेजा गया। आज आप सर यहाँ पे आए हैं और हम लोग को आप फर्दर गाइड करेंगे। मैं अपनी तरफ से दो तीन बातें रखना चाहूँगा और जो मेरा भी इंटरेक्शन हुआ है उसके आधार पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है और जिस तरह की कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए हम लोग डिपार्टमेंट चाहता है कि वो नॉर्म्स जो एनबीसी कोड्स हैं और जो नॉर्म्स हैं जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनका पालन कराना हमारा कर्तव्य है और केस स्टडी का एग्जांपल देकर के हम उससे क्या लर्निंग लेसन मिला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फायर सर्विसेज का मुख्यतः जो काम होता है वो जो समझा जाता है वो आग बुझाने का है, कहीं पे आग लग गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है और वहां पर आग बुझाती है। अभी तक 1944 के एक्ट से और 2005 के एक्ट से ये सेवाएं चल रही थी, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष रुचि के कारण एक नया एक्ट पास हुआ है, फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्ट 2022 का 13 दिसंबर को पास हुआ है और इस एक्ट को बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मॉडल जो था वो सर्कुलेट हुआ था देश के सभी प्रदेशों में और हमारा दूसरा प्रदेश है जिसने इसको तत्परता से लागू किया है, तो इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम होंगे और फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बहुत इसका अच्छा परिणाम और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में भी बहुत अच्छा परिणाम आगे भविष्य में आएगा। गोरखपुर में फायर प्रिवेंशन फायर सेफ्टी के बारे में एक जनसंवाद यहाँ पे कार्यक्रम किया गया सर्किट हाउस के निक्सी के भव्य हॉल में, इसमें डीडा इंडस्ट्रियल एरिया के तमाम सारे इंडस्ट्रीस्ट आए थे, जिन लोगों के होटल्स हैं उनके मालिक या उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे,
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, मार्केट्स और अन्य सम्मानित नागरिकगण जो गोरखपुर के हैं वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने अपनी बात बताई और फायर प्रिवेंशन और फायर सेफ्टी के बारे में उनको बताया गया। एक जो प्रमुख कारण आग लगने का होता है, निकल करके सामने आया है, वो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। तो मेरा सभी सम्मानित गोरखपुर वासियों से यही विनम्र अनुरोध है कि अपने अपने घरों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ऑडिट करवा लें और अगर उनके घर के तार जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसको बदलवा लें, क्योंकि 80% आग जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। जो मकान आज से 30 साल 40 साल पहले बने हैं, पहले वहाँ पे केवल एक पंखा, एक कूलर, कुछ लाइटें चला करती थी, आज हर कमरे में फ्रिज हो गया है, टीवी हो गया है, एसी हो गया है, ब्लोअर हो गया है, हीटर हो गया है। तो इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बंद कमरे में जाड़े के समय में हीटर जला करके न सोएं, कोयला जला करके न सोएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और जो स्मोक जनरेट होती है वो आग से भी ज़्यादा घातक होती है। कई बार ऐसे दृष्टांत दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं कि लोग रात को कोयला, आग, हीटर जला करके सोए और सुबह मृत अवस्था में पाए गए, उससे भी सेफ्टी की ज़रूरत है। एलपीजी गैस से जो घटनाएं होती हैं उसके प्रिवेंशन के लिए हमें आवश्यक है कि अपने एलपीजी सिलेंडर्स के जो पाइप हैं, रेगुलेटर है, उसको इंस्पेक्ट कर लें और अगर वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसको चेंज करवा लें। नया फायर एक्ट हमारे इन्फोर्स में आ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू करवा दिया है और उसमें बहुत सारे प्राविधान हैं फायर सेफ्टी के, फायर प्रोविजन के, और एनओसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। अब एनओसी को ना कह करके उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कहा जाएगा और जो ओनर या बिल्डर है, ओनर या ऑक्यूपेंट है बिल्डर का, बिल्डिंग का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें तय की गई है। वो साल में दो बार सेल्फ सर्टिफाई करेगा क्वालिफाइड एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट लेकर के और वो उसको सिस्टम पे अपलोड कर देगा, तो उसको एनओसी अपने आप मिल जाएगी। हमारे पास बार बार फायर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह के बहुत सारे प्राविधान उसमें किए गए हैं जिससे फायर सर्विसेज की सेवाएं लोगों को और बेहतर मिल सकेंगी। साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस में भी फायर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कोई मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थक्वेक कोई होता है, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम लोग पहुँचते हैं, लोकल पुलिस पहुँचती है, वहाँ के लोकल बाशिंदे पहुँचते हैं, तो सबको हम लोग इसमें ट्रेन करेंगे कि कैसे लोगों की जान बचाई जा सके। जो गोल्डन आवर्स हैं, जब तक SDRF NDRF नहीं पहुँचती है, उस गोल्डन आवर में कैसे लोगों की जान बचाई जा सके, कैसे लोगों को मलबे से निकाला जा सके, उनको लोकेट किया जा सके और उनको फर्स्ट एड दे करके हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। तो बहुत सारे पहलुओं पर इसमें चर्चा हुई है। इसमें नए एक्ट में प्राविधान है कि जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा उसको सुधार करने का एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा और उसके बाद भी वो सुधार नहीं करता है तो उसके प्रीमाइसेस को जहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी इन्वॉल्व है, ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, उसको सील कर दिया जाएगा और उसको संचालन बंद कर दिया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगले कुछ सालों में हर ब्लॉक स्तर तक हम लोग फायर स्टेशन को खोलेंगे। अभी हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन हमारे प्रदेश में 350 तहसीलें हैं, 350 फायर स्टेशन हमारे फंक्शन कर रहे हैं और प्रदेश में 830 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक स्तर पे भी अगले कुछ वर्षों में हम लोग नए फायर स्टेशन खोलेंगे और हर ब्लॉक स्तर पे फायर वॉलंटियर्स माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने बना रखे हैं। 830 ब्लॉक के हिसाब से हम लोगों ने 91,000 से ऊपर फायर वॉलंटियर्स बना रखे हैं और फायर प्रिवेंशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जो कोई भी आदमी क्लिक ऑफ द बटन पर उसको देख सकता है। जो इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी है, गैस की फायर सेफ्टी है, पेट्रोल ऑयल से कैसे बचा जाए, सबके बारे में वीडियोस हैं। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है उसको देख करके जागरूक हो और अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। जो मौके पे है वही उसको आग को बुझा सकता है। शुरुआती स्टेज में कम्बल से बुझा सकता है, पानी से बुझा सकता है, मिट्टी से बुझा सकता है, बालू से बुझा सकता है। तो हर घर में 2-3 बाल्टी पानी स्टोर करके रखना चाहिए, पुराने कम्बल को फेंकना नहीं चाहिए, उसको रखना चाहिए, क्योंकि जब आप कम्बल आग पर डाल देते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और तुरंत आग बुझ जाती है। ये सारे जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं, फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, बहुत छोटे छोटे मेजर्स हैं,
उसको करके रखना चाहिए। स्मोक से बचने का सबसे सरल उपाय और सबसे इफेक्टिव उपाय है कि आप अगर स्मोक में फंस जाएं तो गीली तौलिया या कोई कपड़ा गीला करके अपने मुंह के चारों तरफ लपेट लीजिए, जमीन पे बैठ जाइए, तो आप जो है स्मोक से काफी संभावना है कि आपको न्यूनतम नुकसान होगा। इसके साथ ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में हॉस्पिटल के कक्षा 12 पास संचालक रंजीत निषाद को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध दस्तावेज को किया बरामद व हॉस्पिटल को किया सील। SSP डॉक्टर गौरव गुरवर ने किया खुलासा। जनपद में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश ने LKG से कक्षा 12 तक के सभी प्रकार के विद्यालय को 10 जनवरी तक बंद करने का दिया निर्देश। पहले से निर्धारित प्रैक्टिकल व प्री बोर्ड परीक्षा करा सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। ऑपरेशन तमंचा के दूसरे चरण में गांव-गांव लोगों को किया जाएगा जागरूक। गांवों में प्रयोग होने वाले अवैध तमंचे के सोर्स का किया जाएगा पता। तमंचा बनाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। ADG जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। दो दिवसीय गोरखपुर लिट फेस्ट का मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने किया शुभारंभ। कहा, इतिहास से सबक लेकर वर्तमान तक खड़ा होने का हुनर आना ही है वास्तविक लोकतंत्र में साहित्य का मूल मंत्र। उत्तर प्रदेश फायर विभाग के DG अविनाश चंद ने उद्यमियों, व्यापारियों, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स भवनों के संचालकों, हॉस्पिटल, स्कूल के प्रबंधकों संग किया संवाद। कहा, शॉर्ट सर्किट से होती है अधिकांश अग्निकांड की घटनाएं। फायर ऑडिट कराकर मानक के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के भवनों को करें आग से सुरक्षित। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन 7 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर लिया पर्चा। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 13 जनवरी को होगी पर्चों की जांच। 16 जनवरी को होगा नाम वापसी। 30 जनवरी को होगा मतदान। 2 फरवरी को मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जनपद में 243 हॉस्पिटल के अलावा 142 पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर और 502 नर्सिंग होम है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पंजीकृत। अवैध संचालित 70 हॉस्पिटल और 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को किया जा चुका है सीज। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से BRD मेडिकल कॉलेज में काफी बढ़ गई है हृदय और मस्तिष्क रोग के मरीजों की संख्या। BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को रखना चाहिए विशेष ध्यान। सुबह या रात में ना निकलें घरों से बाहर। स्नातक विधान परिषद चुनाव के संबंध में भाजपा महानगर की बैठक भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे यह चुनाव। SDM सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद, नगर निगम व पुलिस विभाग से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। और ठंड से बचाव के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में मरीजों व उनके परिजनों को रुकने के लिए रैनबसेरे की गई है व्यवस्था। जगह जगह पर जलाया जा रहा है अलाव। मरीजों को मिल रहा निःशुल्क भोजन। BRD मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन 7 उम्मीदवारों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर पर्चा लिया, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए नामांकन के लिए शनिवार को 7 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है। अभी तक कुल 27 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है,
लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है, जो कि 12 जनवरी तक चलेगा। 13 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 16 जनवरी को नाम वापस होगा। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को मतदान होगा और 2 फरवरी को मतगणना होगी। इसके अलावा पूरा नामांकन CCTV की निगरानी में संपन्न हो रहा है। सुरक्षा को देखते हुए कमिश्नरी गेट से आयुक्त न्यायालय तक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोई भी उम्मीदवार 11 बजे से 3 बजे तक आयुक्त न्यायालय में आकर नामांकन कर सकता है। इस अवसर पर CEO कैंट योगेंद्र सिंह, चिल्वाताल थाना प्रभारी विनय सरोज, उप निरीक्षक दिनेश साहनी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, तो इस समय तो कोई शुरुआत हुई है अभी जस्ट। चुनाव के लिए नामांकन यहाँ पर चल रहा है, आज कितने पर्चों की? आज दिनांक 7 जनवरी तक जो है 27 लोगों ने अपना नामांकन पत्र लिया है और आज अभी तक नामांकन पत्र जो है जमा नहीं कराया गया। सर कितने तारीख को इसके मतगणना होगी और गिनती? ये मतदान की तिथि जो है 30 जनवरी है, परंतु अभी नामांकन की प्रक्रिया अभी 12 जनवरी तक रहेगी। 13 जनवरी को उसकी जांच होगी, जांच और उसके बाद 16 तारीख तक जो है नाम वापसी की तिथि है और 30 जनवरी को मतदान के बाद 2 फरवरी को मतगणना होगी। जनपद में संचालित वैद्य हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड और नर्सिंग होम के संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 243 हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंजीकृत हैं। इसके अलावा पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर 142 पंजीकृत हैं और 502 नर्सिंग होम पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जनपद में अवैध संचालित 70 हॉस्पिटल को सीज किया जा चुका है और 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सीज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, कार्यालय तो अपना नीचे है ना, कार्यालय अपना इसी में है। देखिए आज हम यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन पर नकेल कसने के लिए और आम जन में जो है पंजीकृत चिकित्सालय में ही उपचार या राजकीय चिकित्सालय में ही उपचार कराने के लिए आम जनमानस को प्रेरित करने के लिए हमने इस गोष्ठी का आयोजन किया। देखिए जनपद गोरखपुर में 243 क्लिनिक हमारी रजिस्टर्ड हैं, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर और डायग्नोस्टिक्स जो हैं 142 की संख्या में हैं और 502 हमारे नर्सिंग होम पंजीकृत हैं। अभी तक हम लगभग 70 हॉस्पिटल को सीज कर चुके हैं, 10 अल्ट्रासाउंड मशीन सीज कर चुके हैं। जनवरी माह में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हृदय रोग और मस्तिष्क रोग के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में BRD मेडिकल कॉलेज में रोज़ाना इन मरीजों की जांच होती रहती है। इस संबंध में BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि जनवरी में ठंड काफ़ी बढ़ गई है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिससे कार्डियो के मरीज़ और
लकवा के मरीज बढ़ जाते हैं, जो नसें होती हैं वह सिकुड़ जाती हैं, ऐसे में दिमाग की नस फटने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें दिल का दौरा पड़ने की चांस बढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि ठंड के समय में जो मरीज़ हैं जिनको शुगर और हाई ब्लड प्रेशर है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि वह ठंड में निकलते हैं तो पूरी सावधानी के साथ निकलना चाहिए और अपनी दवा का लगातार सेवन ज़रूर करें, जिससे बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और अचानक आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि ठंड में जब भी निकलें मफलर स्वेटर दस्ताना पहनकर निकलें और सुबह या रात में ना निकलें, दिन में दोपहर के समय ही अपने काम से निकलें, विशेष करके जो छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग माताएँ और बहनें हैं उनको और ज़्यादा ठंड से बचने के लिए ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि BRD मेडिकल कॉलेज में करीब 2,500 से 3,000 मरीज रोज़ाना आते हैं, जिसमें 250 से 300 मरीज भर्ती होते हैं, जिसमें 3 से 4% मरीज हृदय रोग के होते हैं। दिसंबर से लेकर मरीजों की रोज़ाना जांच होती है, जिनका सीने में दर्द होता है, ज़रा दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं या सर में दर्द हो रहा है, ऐसे मरीजों का इको और ECG करने के बाद पता चलता है कि दिल की नसें ब्लॉक हो गई हैं। ऐसे 2 से 3 मरीजों की एंजियोग्राफी रोज होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए प्रधानाचार्य BRD मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा, BPL का कराना है करके, तो इतना 2 दिन का मिलाना चाहिए। अरे हम तो लेंगे फिर दूसरा दिन होली का। लैटिन टाइफून की दवा ले रहे हैं अभी? कब जो दवा आप लिखे थे वही दवा सब चल रही है अभी, कोई दूसरा नहीं? आप कोई दशा ना है, जो आप दिए हैं वही चल रहा है। 2 महीने बाद दिखाइएगा। और कभी भी कोई भी दिक्कत हो कभी भी आप नंबर तो आपके पास हो जाएगी। दवा लगभग वही है, डायरेक्ट पीक दवा जो रही है। 2-2 महीने पे आते रहिएगा, कभी कोई भी दिक्कत हो तो। हाँ भाई, हेलो, आपका क्या सर्जरी कुछ होना है क्या? हाँ, कोई बात नहीं। अभी बुलाया जाएगा आपका। दूर दूर खड़ा तो 7 दिन तक ले लीजिएगा, 7 दिन के बाद हफ्ते में एक बार, ठीक है? और ये 2 हफ्ते की दवा ले लीजिएगा उसके बाद। बताइए ये कितने दिनों से हो गया? जमीन से बैठ कर उठने में दिक्कत तो नहीं होती? सूचना जानी थी हेल्थ वाली के बाद जी। जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी में पिछले कई दिनों से काफ़ी ठंड है। ठंड में अक्सर जो है कार्डियक के मरीज, दिल के रोगी और हेमरेज पैरालिसिस की लकवा के मरीज बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो खून की नसें होती हैं उसे सिकुड़ जाती हैं, और ऐसे में हेमरेज या दिमाग की नस फटने के चांसेस बहुत हो जाते हैं या हार्ट अटैक चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठंड के समय में जो मरीज डायबिटिक हैं या जिनका BP हाई रहता है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो ठंड में ना निकले तो पूरी
सावधानी के साथ निकलें और अपनी दवा का सेवन जरूर करते रहें। इससे हम अपने बहुत कुछ बीमारियों से बच सकते हैं, अचानक आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारा आम जनता से यही अनुरोध है कि ठंड में जब भी निकलें, मफलर है, स्वेटर है, दस्ताने हैं, ये पहन के निकलें और सुबह या रात में शाम को ना निकलें, दिन में अपना काम कर लें। और विशेषकर जो बच्चे हैं और हमारे बुजुर्ग हैं माता बहनें, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए ठंड में। रोजाना मरीजों की संख्या कितनी होती होगी सर? देखिए बीआरडी में करीब 2,500 से 3,000 पेशेंट डेली आता है और इसमें करीब जो है 250 से 300 मरीज भर्ती होता है। तो इसमें जो है 3-4% मरीज कार्डियक के होते हैं। लास्ट में देख रहा हूँ कि दिसंबर से लेके अभी तक 2-3 मरीजों की डेली एंजियोग्राफी होती है, जो सीने में दर्द लेकर के आते हैं और कोई समस्या है, उनको दिल की धड़कन बढ़ गई है या मतलब जो उनका सिर दर्द हो रहा है, तो ऐसे मरीजों का इको ईसीजी और करने के बाद कुछ पता चलता है उनकी नसें, दिल की नसें ब्लॉक हो गई हैं, बंद हो गई, तो 2 से 3 मरीजों की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी डेली हो रही है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर का पार्टी कार्यालय पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसके संबंध में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हर चुनाव से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से स्नातक चुनाव जीतेंगे। यह चुनाव भी हर चुनाव लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव की भांति गोरखपुर क्षेत्र स्नातक निर्वाचन भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के आधार पर काम करती है, देश के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर स्नातक चुनाव की पूरी तैयारी योजना बन गई है, यह चुनाव भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हर 20 मतदाता पर एक प्रमुख बनाकर माइक्रो लेवल पर काम करेंगे एवं घर घर संपर्क कर एक एक मतदाता से संपर्क कर स्नातक चुनाव भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीतांशु सिंह आशु, शहर विधानसभा के संयोजक डॉक्टर गिरिजेश दत्त पांडे, ग्रामीण विधानसभा संयोजक रणविजय सिंह मुन्ना, शहर विधानसभा सह संयोजक प्रेमनाथ शुक्ला, महामंत्री अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय, देवेश श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, जितेंद्र चौधरी जीतू, रणविजय शाही, पद्मा गुप्ता, रंजुला रावत, अनुपमा पांडे, महानगर मंत्री अवधेश अग्रहरी, मनोज अग्रहरी, प्रेमनाथ शुक्ला, रितेश सिंह बब्बू, शिवम पांडे, डॉक्टर गिरिजेश दत्त पांडे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, अध्यक्ष रहे राहुल श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ओम प्रकाश जी, आशु जी, अच्युतानंद शाही जी, महानगर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हृदय से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, चूंकि आज 9 वर्ष का सबसे पहले मैं आप सब लोग को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। महाराज जी का मैं एक दो दिन पहले न्यूज में सुन रही थी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यूं तो अनेकों काम कर रहे हैं, बहुत सारे अपने उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य कर रहे हैं और इतना अच्छा परचम लहरा रहे हैं कि सभी प्रदेशों में विश्व में भी उनकी मांग होती है, चाहे गुजरात में चुनाव हो जिन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की, हर जगह उनका रहता है। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले जो बहुत अच्छा काम किया, जो मेरे हृदय को छुआ, उन्होंने जाके महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में जाकर के सारे उद्योगपतियों को बुला करके, फिल्म जगत के लोगों को बुला करके अपने वहां प्रदेश में आने का न्योता सबको दिया और नई नई योजनाओं के बारे में बात किया और कहा कि आइए हमारे उत्तर प्रदेश में अपना आकर के अपना उद्योग लगाएं और ताकि हमारा प्रदेश बढ़ सके। सोचा था करने के लिए, तब मैं सुनती थी कि वो ऐसे ऐसी योजनाएं बना रहे हैं,
लेकिन हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्या विकास हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो जो हमारे गोरखपुर का हो रहा है, हमारे प्रदेश का हो रहा है, मैं निश्चित कह सकती हूँ कि आने वाले दिन में हम लोगों का चारों तरफ नहीं है, एक विश्वास हो गया है। आज भले ही हम लोगों के पास में स्नातक का चुनाव आया है, जिस तरह हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव घोषित है, उसके दृष्टि से आज गोरखपुर महानगर की बैठक थी। गोरखपुर क्षेत्र के सभी जनपदों में आज और कल में जिलों की बैठकें संपन्न हो रही हैं। 9 और 10 तारीख को सभी मतदान केंद्रों की बैठकें होंगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में गोरखपुर महानगर में 12 मतदान केंद्र हैं और 12 मतदान केंद्रों पर लगभग 15,500-16,000 के आसपास मतदाता हैं। उनकी दृष्टि से ये बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की दृष्टि से हर मतदान केंद्र प्रमुख, मतदान केंद्र के सह प्रमुख, बूथ प्रमुख तक संरचना खड़ी की है। आगे हम सब हर 20 मतदाता पर एक प्रमुख मतदाता बना करके पूरे माइक्रो लेवल तक इस चुनाव को की तैयारी हम सब कर रहे हैं। घर घर संपर्क की योजना, एक एक मतदाताओं से संपर्क करके सबका वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिकूल हो। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भी प्रचंड बहुमत के साथ जीते, इसकी योजना रचना प्लानिंग की दृष्टि से आज ये बैठक संपन्न हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है। स्नातक निर्वाचन चुनाव भी हम सब हर चुनाव की भांति, लोकसभा चुनाव की भांति, विधानसभा चुनाव की भांति, गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, ऐसी योजना रचना प्लानिंग बनाई गई। क्या निर्देश दिया गया सभी कार्यकर्ताओं को? आज निर्देश दिया गया कि अपने अपने मतदान केंद्रों पर बैठक करके हर बूथों की प्लानिंग करके योजना रचना बनाएंगे और प्रत्येक 20 मतदाता में एक प्रमुख बना करके उन 20 से संपर्क करने की योजना, उनको वोट डलाने तक 30 तारीख तक वोट पोल जब तक न हो जाए तब तक उनके संपर्क में रहने की ये पूरी योजना रचना बनाई गई है। एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया कि महीने के प्रथम व तृतीय शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसको देखते हुए तहसील सदर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद, नगर निगम व पुलिस विभाग से संबंधित आए थे। उन्होंने कहा, प्रयास है कि समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए पूरा प्रयास किया जाता है कि मौके पर निस्तारण कर दिया जाए। इसके अलावा जो मामले मौके पर निस्तारण नहीं हो पाते हैं, उसको पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निरीक्षण कर इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विकास सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, खरीदा कौन था आपके पति से? हाँ, उसके बाद फिर जब पहनावा लिया तब से नहीं लिए, कोई सही रात ऐसा जैसे दो पर्दा थे ना, मैं एक लोग हम लिए हैं और एक वहाँ पे है, कोई नहीं हमको बोलने जो तुमने दे रहा, कह रहा जमीन हमको दे दो, हम दे देते। Thank you.
सर डबलिंग समाधान जो प्रायोजन जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही है, यहाँ पे सारे विभाग रहते हैं। कुछ प्रकरण जो हैं हमारे राजस्व विभाग के हैं, कुछ नगर निगम से रिलेटेड आए हैं, चकबंदी से रिलेटेड कुछ आए हैं, पुलिस विभाग के भी प्रकरण आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हमारी कोशिश रहती है कि वो यहाँ पे निस्तारित हो जाएं, पर जिसमें फील्ड और मौका देखना रहता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कोशिश यही है जिससे जल्दी से जल्दी निस्तारण, और जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो यहाँ से संतोष पाकर ही जा पाए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ठंड से बचाव के लिए मरीजों और उनके परिजनों के रुकने के लिए रैन बसेरा व अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो भी मरीज आते हैं उनको भर्ती किया जाता है और उनको यहाँ पर रहने, सोने व खाने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही उनके साथ जो परिजन आते हैं उनके लिए दो रैन बसेरे की भी व्यवस्था है। एक रैन बसेरे में 108 लोगों के रुकने की कैपेसिटी है और दूसरे रैन बसेरे में 125 लोगों की कैपेसिटी है। वहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। साथ ही साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर चार जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ जगह पर नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है और कुछ जगहों पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है। ट्रामा सेंटर के पास जो रैन बसेरा है वहां दिन और रात अलाव जलता रहता है, इससे मरीज़ को काफ़ी राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मरीज़ के साथ जो परिजन आते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई है। मरीज़ के साथ परिजन को भी निःशुल्क भोजन मिलता है। उन्होंने बताया कि मैं खुद रात में राउंड पर निकल कर देखता हूँ, जो भी मरीज़ ठंड से बेवजह परेशान होते हैं उनके लिए एनजीओ के से कंबल की व्यवस्था की गई है। यदि कोई मरीज़ किसी कारणवश कंबल नहीं पाता है तो उनके लिए रैन बसेरे में निःशुल्क व्यवस्था की गई है, उनको वहां कंबल मिल जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा। बीआरडी में जो मरीज आता है जो भर्ती लायक उसको भर्ती कर लिया जाता है और उसको यहाँ पर बिस्तर कंबल सब दिया जाता है। जो मरीज के साथ तीमारदार आते हैं उसके लिए बीआरडी में दो रैन बसेरा हैं, जिसमें एक की 108 कैपेसिटी है, दूसरे 125 कैपेसिटी है। वहाँ पर निःशुल्क उनके ठहरने की व्यवस्था है। साथ ही साथ मतलब जो है कैंपस के अंदर चार पांच जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। कुछ जगह
नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, कुछ कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी की गई है। इनमें जो है रैन बसेरा है, मेन है ट्रामा इमरजेंसी, यहाँ पर दिन और रात अलाव जलता रहता है, इससे मरीज काफ़ी राहत मरीज महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मरीज यहाँ भर्ती होता है उसके साथ जो तीमारदार आता है उसके लिए निःशुल्क भोजन की, मरीज के साथ साथ मरीज के तीमारदार को भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। तो ये देखा गया है, अक्सर हम लोग मैं भी रात में निकल कर के अराउंड लेता हूँ, कोई भी मरीज यहाँ पर ठंड से मतलब जो सिकुड़ता या मतलब जो परेशान होता हुआ नज़र नहीं है। इसके लिए कुछ एजेंसियों से एनजीओ से कम्बल भी बांटे गए हैं जिनको हमने रैन बसेरा में रखवाया। अगर कोई मरीज के साथ तीमारदार आता जो किसी कारण सप्ताह बिस्तर नहीं ला पा रहा है तो रैन बसेरे में निःशुल्क जा कर के वहाँ पर उसके सारी व्यवस्था है, उसको वहाँ से बिस्तर मिल जाता है और कम्बल मिल जाता है, ये व्यवस्था की गई है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में हॉस्पिटल के कक्षा 12 पास संचालक रंजीत निषाद को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवैध दस्तावेज को किया बरामद व हॉस्पिटल को किया सील, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने किया खुलासा। जनपद में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश ने एलकेजी से कक्षा 12 तक के सभी प्रकार के विद्यालय को 10 जनवरी तक बंद करने का दिया निर्देश। पहले से निर्धारित प्रैक्टिकल व प्री बोर्ड परीक्षा करा सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। ऑपरेशन तमंचा के दूसरे चरण में गांव-गांव लोगों को किया जाएगा जागरूक, गांवों में प्रयोग होने वाले अवैध तमंचे के सोर्स का किया जाएगा पता, तमंचा बनाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई, एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। दो दिवसीय गोरखपुर लिट फेस्ट का मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने किया शुभारंभ, कहा इतिहास से सबक लेकर वर्तमान तक खड़ा होने का हुनर आना ही है वास्तविक लोकतंत्र में साहित्य का मूल मंत्र। उत्तर प्रदेश फायर विभाग के डीजी अविनाश चंद ने उद्यमियों, व्यापारियों, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स भवनों के संचालकों, हॉस्पिटल, स्कूल के प्रबंधकों संग किया संवाद, कहा शॉर्ट सर्किट से होती है अधिकांश अग्निकांड की घटनाएं, फायर ऑडिट कराकर मानक के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के भवनों को करे आग से सुरक्षित। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन 7 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर लिया पर्चा, 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन, 13 जनवरी को होगी पर्चों की जांच, 16 जनवरी को होगा नाम वापसी, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को मतगणना, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। जनपद में 243 हॉस्पिटल के अलावा 142 पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर और 502 नर्सिंग होम है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पंजीकृत। अवैध संचालित 70 हॉस्पिटल और 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को किया जा चुका है सीज, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में काफी बढ़ गई है हृदय और मस्तिष्क रोग के मरीजों की संख्या। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को रखना चाहिए विशेष ध्यान, सुबह या रात में ना निकलें घरों से बाहर। स्नातक विधान परिषद चुनाव के संबंध में भाजपा महानगर की बैठक भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न, कहा माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे यह चुनाव। एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन, कहा अधिकतर मामले आए भूमि विवाद, नगर निगम व पुलिस विभाग से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। और ठंड से बचाव के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों व उनके परिजनों को रुकने के लिए रैनबसेरे की गई है व्यवस्था, जगह जगह पर जलाया जा रहा है अलाव, मरीजों को मिल रहा निःशुल्क भोजन, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने दी जानकारी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।